का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बस रही अयोध्या नगरी आज दुनिया की नजरें हैं इस अयोध्या नगरी में, क्योंकि हम जानते हैं अब से और कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की अचल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और इस प्रक्रिया के साथ ही 12:29 से 12:31 यानी कि वो अहम 84 अभिजीत मुहूर्त के ये जो 84 सेकंड होंगे, इन्हीं के साथ सदियों का लंबा इंतजार सनातनियों का पूरा होने जा रहा है। मैं ऋतु वर्मा अयोध्या के राम की पैड़ी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अयोध्या के तमाम रंग आप देख रहे हैं और उसी में जोड़ेंगे कुछ और रंग, कुछ और विचार और कुछ और इतिहास की कुछ और बातों को भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरेंद्र भी है। बिल्कुल, जय श्री राम। अयोध्या धाम से भगवान भास्कर के अभी दर्शन यहाँ नहीं हुए हैं, लेकिन वो जगाने भले ही नहीं आए हैं, लेकिन पूरा देश जग रहा है क्योंकि भगवान रामलला आज विराजित होने वाले हैं। हर एक ओर अगर आप देखिए तो इस प्रकार का उत्साह, उल्लास और उमंग का वातावरण है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार इस बात को आपको दिखाते आ रहे हैं कि कैसे अयोध्या सज गई है, धज गई है, एक नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रही है। इतनी सुंदर नगरी की क्या कहा जाए, शब्दों में बयां करना रे तो मुश्किल हो रहा है। और इस प्रकार की तस्वीरें अपने आप में लगातार आ रही हैं कि किस तरीके से हर कोई खुश है, उल्लासित है और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल साथ एक तरीके से नजर आ रहा है और इंतजार है उस 84 सेकेंड के अभिजीत मुहूर्त का, जिसके बाद भगवान विराजमान होंगे और सबको दर्शन देते नजर आएंगे। अरेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले वो तमाम रास्ते और राम जन्मभूमि का जो रास्ता है किस तरह से लोगों से इस समय पटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि इस समय अयोध्या में तकरीबन 2 लाख के करीब लोग मौजूद हैं। बाहर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं कि वो भले ही आज, क्योंकि आज आम जन के लिए दर्शन उपलब्ध नहीं होंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, लेकिन फिर भी वो आज के दिन अयोध्या की मिट्टी इस धरती पर मौजूद होना चाहते हैं और सिर्फ इसीलिए दूर दूर से लोग चल के इस समय अयोध्या पहुंच रहे हैं। चाहे वो धर्मपथ हो, वहां पर आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस झलक को जिसमें देश के तमाम हिस्सों के सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य, लोक गीत प्रस्तुत करते हुए तमाम वो कलाकार आपको दिखाई दे जाएंगे। तो वही रामपथ पे आपको दिखाई देंगे, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी अपनी एक तरह से प्रतिभा से राम भक्ति और अपनी श्रद्धा को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, राम के चरणों में रखना चाहते हैं। बिल्कुल, और ऋतु ये बताना भी जरूरी है कि किस तरीके से दूरदर्शन ने, प्रसार भारती ने इंतजाम भी बहुत किए हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम होगा, पूरा विधि विधान होगा, पूजा होगा, विशेष कैमरों के माध्यम से अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे हों, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो, विशेष कैमरों के माध्यम से पूरा इंतजाम किया गया है और सभी दर्शक निश्चिंत रहें। गर्भगृह की तस्वीरें जब पूजा विधान चल रहा होगा वो भी आप तक पहुंचेंगी, इसका इंतजाम भी दूरदर्शन न्यूज ने विशेष तौर पे किया हुआ है। हमारे साथ में चित्रकूट से पधारे हुए, सतना जिला से पधारे हुए सत्येंद्र शुक्ला जी महाराज जी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। संत समाज बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, कैसे अपने शब्दों में बयां करेंगे संत समाज की ओर से? पहले तो मैं संत समाज की ओर से सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रामचरित्र मानस में जो हमें बताया गया था आज हम उस उत्सव का आनंद मना करके अपने आप में बड़ी अनुभूति महसूस कर रहे हैं। क्योंकि रामचरित्र मानस कहती है पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो ये हमारा पुण्य है और हरि कृपा है कि आज हम इस धाम पर हैं। हमारे पुण्य उदय हुए तो हम इस धरा पर आए और हरि कृपा है तो हम संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये अवध क्या, मुझे पूरा संसार राम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामचरितमानस में सुरसी बाबा ने कहा है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। पूरा राम में संसार और सबको प्रणाम, मन ही मन प्रणाम, सबको मन से प्रणाम।
सबको प्रणाम और सबको राम राम, क्योंकि राम है तो सारे काम होंगे, राम जब विराजमान होंगे तो सबको दर्शन लाभ भी होंगे। ये अपने आप में बताता है, दिखाता है कि किस प्रकार की तैयारियां यहां जोर शोर से अयोध्या धाम में चल रही हैं। हमारी मौजूदगी अभी सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पे है और हम इस बात का भी जिक्र जरूर करेंगे कि दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से जो इंतजाम किए गए हैं उसका प्रसारण देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होगा और लाखों नहीं करोड़ों बल्कि कई करोड़ लोगों को भगवान श्री राम के आज के महापर्व के, महाप्राण प्रतिष्ठा के लगातार एक तरीके से वो तस्वीरें पहुंचेंगी और लोग लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। सत्येंद्र जी, ये कितना महत्वपूर्ण है, 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, अभिजीत मुहूर्त में भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण इस पूरा विधान को आप देखते हैं? पहले समझे कि सृष्टि का नियम है परिवर्तन, युग परिवर्तन, तो ये युग परिवर्तित होते रहते हैं, उसी प्रकार ये युग परिवर्तन हो रहा है। और आज मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को मंगल करने के लिए हरि श्री राम का प्रकट हुआ और राम मूर्ति की प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको बड़े बड़े संत आचार्य, मुझे जहाँ तक विदित है, ज्ञात है, एक सप्ताह से दूर दराज से आए हुए जलों से अभिषेक हो रहा है। प्रथम आगमन उनका दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सभी पंचामृतों से स्नान कराया जा रहा, शुद्धोदक स्नान करा करके उनकी विधिवत आचार्यों द्वारा पूजन किया जा रहा है। और इसमें संत मोदी जी भी आएंगे, संत वो भी संत हैं, चूँकि संत की श्रेणी में वो भी हैं, योगी महाराज जी भी हमारे, और सभी संतों के मतलब कृपा से हमें ये पल मिला है, क्योंकि संत ना होते तो ये संसार आज कट मर गया होता, संतों की कृपा। महान जी, आपने कहा कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जी जी जी। राम मंदिर के निर्माण के साथ जी जी क्या आप ये देख रहे हैं कि पूरा सामाजिक एक बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है? जी जी जी। जिस तरह से इस राम मंदिर के निर्माण में जी जी सबका साथ और सबका सहयोग रहा जी जी है, जी जी, तो एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा जी है। जी जी, मैं तो उस पल का अनुभव कर पा रहा हूँ कि महात्मा गांधी की समय संत विनोबा भावे सर्वोदय, सबसे पहले उनका ही ये नारा था, सर्वोदय संत विनोबा भावे, जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, सभी मानव आज एक साथ है। यहाँ मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई हिंदू और मुस्लिम, नहीं नहीं, सभी मानव, क्योंकि वही मानव हैं, सभी मानव उत्सव मना रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, उसमें कोई मैं भेद नहीं समझ पा रहा हूँ, सबको मैं देख पा रहा हूँ कि सब राममय हैं, सब राम के प्रेम में डूबे हुए हैं, क्योंकि राम प्रेम से मिलते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, बड़े प्रेम से आज अवधपुरी इतनी सुंदर सजी हुई है कि अब उसका वर्णन भी शब्दों में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी का प्राकट गर्भ से पूजन हो रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस समय का अनुभव, त्रेता में जब राम जन्म हुआ तो राम जन्म सुनिकाना अवध में बाजे बधाई, राम जन्म सुनिकाना अवध में बाजे बधाई, चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राम, सुंदर सुंदर गीत गान हो रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ, चारों तरफ बधाई, और ये बधाई बज रही है, और ये बधाई हमको बजती हुई और भी दिखाई पड़ रही है। हाँ हाँ, बधाई भी पड़ रही है, क्योंकि जब जी आप जी जी अयोध्या में कहीं भी होते हैं हर ओर आपको राम धुन सुनाई पड़ती है, आपके कानों में आप अगर बैठे भी हैं, आप अगर सो भी रहे तो पता नहीं क्यों इस प्रकार का ऐसा अनुभव होता है कि आपको हर वक्त राम धुन ही सुनाई पड़ती है। और यहाँ पर अयोध्या का जो लोग रहने वाले हैं, कई बार तो वो विश्वास नहीं करते कि ये हमारी अयोध्या है, क्योंकि इतनी सज गई है, सवर गई है, इतनी बदल गई है, नव्य दिव्य भव्य अलौकिक अद्भुत अयोध्या नजर आती है। भगवान श्री राम की अवधपुरी जब ये ऐसी सजी हुई नजर आती है तो लगता है कि क्या सच में 500 वर्षों के इंतजार के बाद में अब जो ये महापर्व का समय आया है, इसका सब इंतजार कर रहे थे, आज उस मंत्र के बाद, उस मुहूर्त के बाद में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कितना दिव्य और भव्य नजारा होगा। देखिए, सोने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, चूंकि
रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस शुभ घड़ी को हम सोकर के यदि बिता दें तो हमसे बड़ी वो होगी कि इस भूमि पर आकर के हम सो जाएं। अपने आप को हम बड़े अभागे महसूस करेंगे क्योंकि सोना नहीं है यहाँ, यहाँ भगवान के आनंद का नित नया अनुभव लेना है। महान जी, देश से लोग आए हैं, मीडिया आया है देखने, तो क्या आपको लगता है कि भारत की एक नई सांस्कृतिक पहचान राम मंदिर निर्माण के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ यहाँ से लोग लेकर अब देश विदेश पहुँचेंगे? जी जी जी, मैं तो पहले कहूँ देश विदेश क्या है, सकल भूमि रघुनाथ की, ये पूरी धरती ही रघुनाथ की है, धरती ही रघुनाथ है, तो देश विदेश क्या, हर जगह मानव है और सभी मानव में राम बसता है। मानवता की बात की जाए जी, तो भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम सबको अपना मानते हैं। आज जब उनका एक तरीके से प्राकट उत्सव के तरीके से, महापर्व के तौर से, महा एक तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो जब हो जाएगा तो निश्चित तौर से एक नए प्रकार के, एक नए युग के शुरुआत की, नए अध्याय की बात लगातार की जा रही है। अयोध्या से हम ये लगातार कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये उत्साह और उमंग की तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे और मेरी सहयोगी रितु को और हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद थे उनको अनुमति दीजिए, लेकिन हम वापस दिल्ली स्टूडियो चलते हैं और ये एक तरीके से लगातार दिन भर रात तक ये कवरेज जारी रहेगा क्योंकि दूरदर्शन और प्रसार भारती ने ही वो तैयारी की है कि आप तक सजीव तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें सीधे पहुंच सके, उसके लिए हम आप तक लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वापस चलते हैं दिल्ली स्टूडियो हमारे सहयोगी असीम और जया के पास। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र और ऋतु जो इस वक्त मौजूद है, हमारा स्पेशल स्टूडियो जो बनाया गया है सरयू तट के समीप, जहां से सीधे ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे थे इस वक्त, और जिस तरह उनकी चर्चा चल रही थी इस वक्त हर कण में राम राम ही बस रहे हैं, एक नई पहचान के साथ उभरता अयोध्या, उभरता भारत। और जैसा ही कहा कि पूरे विश्व में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में